हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंडियन एडवांस स्टडीज़। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं NMMS वेस्ट बंगाल 2020। आइए इस पेपर यहाँ पर लिखा हुआ है, तो NMMS वेस्ट बंगाल का एप्लीकेशन रिलीज़ हो चुकी है। आपको कैसे चेक करना है आपको इस वीडियो में स्टेप बाई स्टेप बताऊँगा। NMMS वेस्ट बंगाल का एप्लीकेशन रिलीज़ हो चुकी है, तो आपको कैसे चेक करना है आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। तो मेक श्योर करें इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि एक स्पेशल चैनल बनाया गया है NMMS वेस्ट बंगाल के रिलेटेड, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखिए, सब्सक्राइब करने का रीज़न ये नहीं है कि आज बस आप एप्लीकेशन चेक कर रहे हैं, बात है कुछ सालों की। जब तक आप पढ़ाई करेंगे, तो जब आप पढ़ाई करेंगे तो आपके प्रैक्टिकल्स होंगे, आपके वाइवास होंगे, आपके इंटर्नशिप्स होंगे, आपके कल्चरल इवेंट्स होंगे, आपके टेक्निकल इवेंट्स होंगे, आपके प्लेसमेंट फेस्टिवल, आपके कल्चरल फेस्टिवल, आपके टेक्निकल फेस्टिवल, इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए ये स्पेशल चैनल बनाया गया है इंडियन एडवांस स्टडीज़। तो आपको क्या करना है, सही तरीके से करके सही इन्फॉर्मेशन पानी है। ओके, यही आपका मकसद है, यही हमारा भी है। तो आपको क्या करना है, किसी ब्राउज़र में google.com ओपन कर लेना है और वहाँ पर आपको टाइप करना है NMMS वेस्ट बंगाल 2020 IAS पेपर। IAS पेपर एक एक्सक्लूसिव वेबसाइट है, यहाँ पर आपको NMMS के रिलेटेड सारे अपडेट नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेंगे। तो यहाँ पे आपको IAS पेपर लिखना है, फिर यहाँ पे आपको सर्च कर लेना है। तो जैसे आप यहाँ पर सर्च कर लेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है NMMS वेस्ट बंगाल, यहाँ पे लिखा हुआ IAS.net। ओके, तो यहाँ पे आपको क्लिक कर लेना। तो जैसे आप यहाँ पे क्लिक कर लेंगे, यहाँ पे देख सकते हैं, मैं जूम कर देता हूँ जिससे आपकी विजिबिलिटी बढ़ जाए, आप और बेहतरीन तरीके से देख पाए। ओके, यहाँ पे लिखा हुआ है NMMS वेस्ट बंगाल 2020 एप्लीकेशन टिल 1 दिसंबर। ओके, यहाँ पे लिखा हुआ है 1 दिसंबर को होगा। तो यहाँ पे जो है नोटिफिकेशन दिया गया है, तो उसको पहले ओपन करना। तो सबसे पहले जो इस फॉर्म आया है, इस फॉर्म को आप कैसे भरेंगे, ये फॉर्म को आप भरना है, आपको इम्पॉर्टेंट है आपके NMMS वेस्ट बंगाल के रिलेटेड। इस फॉर्म को आप भरेंगे, आपका नेम डालेंगे यहाँ पे, जो भी आपका नेम है, फिर ईमेल आईडी, जो भी आप ईमेल आईडी यूज़ करते हैं वो ईमेल आईडी यहाँ पे डालना है, फिर कॉन्टैक्ट नंबर। ओके, कॉन्टैक्ट नंबर डालना है, फिर सेलेक्ट योर यानी कि मोबाइल नंबर आपका डालना है, फिर सेलेक्ट योर करेंट स्टेट, आपका स्टेट कौन सा है, आप कहाँ से हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आंध्र प्रदेश हूँ तो आंध्र प्रदेश पे क्लिक करूँगा, अरुणाचल प्रदेश है तो अरुणाचल प्रदेश, आसाम, बिहार, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, झारखंड, कर्नाटका, केरला, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम। तो आप इन स्टेट में से आप किसी भी स्टेट में हो सकते हैं। तो मैं यहाँ पर अगर मैं गुजरात का हूँ या फिर गोवा का हूँ, तो वहाँ पे सेलेक्ट कर लूँगा। तो गोवा का कहाँ का रहने वाला हूँ, पणजी का हूँ, नॉर्थ गोवा, साउथ गोवा। अगर आप किसी आपका सिटी का नेम नहीं आया, तो आप क्या करेंगे, आप किसी नज़दीकी सिटी को सेलेक्ट करेंगे। ओके, तो फॉर एग्जांपल जो भी आपके नज़दीकी सिटी रहेगा, उस सिटी को सेलेक्ट कर लेना है, फिर आपको आगे बढ़ना है। नेक्स्ट कोर्स कैटेगरी इंटरेस्ट सेलेक्ट करना है, आपका कैटेगरी क्या है, आपका सेलेक्टेड कैटेगरी कौन से कोर्स में आप इंटरेस्ट रखते हैं। तो आपका इंटरेस्ट किस में है, इंजीनियरिंग में है, मैनेजमेंट में है, डिजिटल लर्निंग, BCA MCA, फैशन डिज़ाइन, आर्किटेक्चर, मीडिया जर्नलिज्म, लॉ एंड साइंस, एनिमेशन, मल्टीमीडिया, फाइनेंस, अकाउंट, मेडिसिन, हेल्थ केयर, होटल मैनेजमेंट, एविएशन, फैशन डिज़ाइन। तो आप इनमें से किसी भी कोर्स में इंटरेस्ट हो सकते थे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं फाइनेंस में हूँ, अकाउंट में हूँ, तो उस पर सेलेक्ट करूँगा। फिर सेलेक्ट और हाईएस्ट क्वालिफिकेशन, जो भी आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन होगी, जो भी आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन होगी वो यहाँ पे सेलेक्ट करना है। फिर सेलेक्ट करके गेट फ्री काउंसलिंग पे क्लिक कर देना। उससे क्या होगा, आपके कॉन्टैक्ट नंबर, आपके ईमेल आईडी के थ्रू आपको फ्री ऑफ कॉस्ट SMS आएंगे NMMS वेस्ट बंगाल के रिलेटेड। तो आप यहाँ पर गेट फ्री काउंसलिंग पे क्लिक कर दें, फिर यहाँ पर आपको कट कर लेना है। तो यहाँ पे जो 1 दिसंबर लिखा हुआ है, यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म कैन बी, तो यहाँ पे वो क्लिक करना है। तो जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, उससे पहले आपको गुड न्यूज़ बता दो, गुड न्यूज़ सुन लीजिए पहले। देश के टॉप 5 यूनिवर्सिटी में फुल फ्लो में एडमिशन चालू है। फर्स्ट है माना रचना यूनिवर्सिटी, बैनेड यूनिवर्सिटी, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, MIT वर्ल्ड पीस यूनिवर्सिटी, सेंट एंड्रीज इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट। इन यूनिवर्सिटी में फुल फ्लो में एडमिशन चालू हो, तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करता हूँ आप इन यूनिवर्सिटी में किसी न किसी एक यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लें, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ना पूरे देश के बच्चे आते हैं। इतना ही नहीं, हमारे देश के तो पूरे बच्चे आते ही आते हैं, सिर्फ इतना ही नहीं, जो आउट ऑफ कंट्री यानी कि फॉरेन
फॉरेन कंट्री के जो बच्चे होते हैं वो भी यहाँ पे पढ़ने के लिए आते हैं, तो जब आप उनके साथ पढ़ते हैं, लिखते हैं, बातें करते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, तो आप क्या होता है, तो आपका कल्चरल एक्सचेंज हो जाता है, आपका टैलेंट एक्सचेंज होता है, आपका नॉलेज, आपका माइंडसेट, आपका लैंग्वेज भी एक्सचेंज होता है। तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करता हूँ आप उन पाँचों में से किसी न किसी एक यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लें। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कैसे क्या करना है, यहाँ पे अप्लीकेशन कैसे भरना है, आपको यहाँ पे लिखा हुआ है अप्लीकेशन फॉर्म कैन बी डन, हो सकता है यहाँ पे 1 दिसंबर 2020 यहाँ पे लिखा हुआ है। तो यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन, यहाँ पे एडमिशन नोटिफिकेशन भी चेक कर सकते हैं क्या है नोटिफिकेशन यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे मैं बैक कर देता हूँ। ओके ओके, फिर यहाँ पे जो यहाँ पे क्लिक हेयर करेंगे, फिर जैसे आप यहाँ पर क्लिक हेयर करते हैं, मैं जूम कर देता हूँ जिससे आपकी विजिबिलिटी बढ़ जाए, आप बेहतरीन तरीके से देख पाएँ। तो यहाँ पे जो है रजिस्ट्रेशन क्या है, रजिस्ट्रेशन नंबर जो आपका चाहिए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, लॉगिन। ओके, लॉगिन करना है मतलब एंटर योर रजिस्ट्रेशन नंबर एंड पासवर्ड। तो रजिस्ट्रेशन नंबर जो भी आपका रहेगा वो रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है। ओके ओके, फिर पासवर्ड बताना है, पासवर्ड क्या है उस रजिस्ट्रेशन नंबर का। फिर यहाँ पे क्या करना है, 43 + 41 कितना होता है। ओके, तो यहाँ पे 84 होता है तो 84 लिख दूँगा, तो सही लिखना है आपको। फिर यहाँ पे साइनिंग कर देना, उससे क्या होगा आपका साइनिंग हो जाएगा। तो ऐसे आपको कर देना है फॉरगेट, अगर आप रजिस्ट्रेशन नंबर भूल चुके हैं या फिर पासवर्ड भूल चुके हैं तो यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। ओके, तो ऐसे करना है, तो आपको साइनिंग कर देना है तो आपका हो जाएगा। तो ऐसे करना है आपको, अगर कोई डाउट है तो डेफिनेटली कमेंट कर सकते हैं। अगर आपकी कोई क्वेरीज है, कोई कुछ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे रखा है तो आप उसे भी ओपन कर सकते हैं। मैंने जैसे वीडियो के स्टार्टिंग में बताया, आपको किसी ब्राउज़र में google.com ओपन करना है, वहाँ पर आपको टाइप करना है NMMS वेस्ट बंगाल 2020 IS पर ऐसा टाइप करके सर्च कर लेना है, जैसे मैंने बताया वैसे सर्च करके चेक करना है। तो काफ़ी सिंपल है, काफ़ी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, तो आपको ऐसे चेक करना है। अगर आपको कोई डाउट है तो डेफिनेटली कमेंट कर सकते हैं। उम्मीद है इस वीडियो ने आपके सारी क्वेरीज क्लियर कर देगा। तो ऐसे वीडियो फ्यूचर पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।